नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों आज हम लोग फ्यूटर फर्स्ट सेमेस्टर मॉड्यूल 1 सेफ्टी के प्रिकॉशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं ये बात करूँगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की रिवीजन करवाऊँगा। ठीक है, आप लोगों को क्लियर मतलब एक एक करके समझाऊँगा नहीं, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है और इसको जल्द से जल्द पेपर को क्या करना, सभी पेपर को एक बार अपने मतलब सटीक निगाहों से देख लेना इसको। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पर सीधे बात करते हैं, नो टाइम गवाते हुए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। ठीक है, हमारा जो कह रहा है पर्सनल सेफ्टी कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा, बी आपका अपने काम पर ध्यान दें। कोई भी किसी मशीन पे जब कार्य करते हैं तो सबसे पहले व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अपने काम पर ध्यान देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए, ये जो चिन्ह है उसका प्रतीक का नाम, तो दो का आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा स्टॉप का, ये जो जहाँ भी ऐसा सिंबल आएगा आप स्टॉप मारेंगे, क्या मारेंगे, स्टॉप मारेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ज्वलनशील लिक्विडिबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, ज्वलनशील लिक्विडिबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, तो तीसरा का बी आपका हो जाएगा, क्लास बी वाला हो जाएगा। कौन सा, देखिए ज्वलनशील लिक्विडिबल मतलब लिक्विड वाले बात की बात है, ठोस को वर्गीकृत किया जाता है तो क्लास बी के अंतर्गत में किया जाता है, क्योंकि क्लास बी में जो आता है आपका ज्वलनशील लिक्विड के तरल पदार्थों के जो वर्गीकृत होते हैं उसको क्लास बी में हम लोग करते हैं। ठीक है, क्लास सी की बात करेंगे तो गैस वाला हो जाएगा, क्लास डी की बात करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका बिजली के लगे बाद आग की बात करेंगे, क्लास ए की बात करेंगे तो कार्बोनेशियम फायर इसको बोला जाता है, और ये वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे जैसे कि लकड़ी उकड़ी के आग लगे होते हैं वहाँ पे क्लास ए फायर का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया में कौन सी है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया में कौन सी है, तत्काल की बात कर रहा है तो चौथा का ही आपका हो जाएगा फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार जैसे कि टिंचर आयोडीन बेंजोइन ये सब जो जितने होते हैं तो आपका ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए पाँचवें नंबर का कि इस चेतावनी का प्रतीक का नाम बताइए, ये कह रहा है कि इस चेतावनी के प्रतीक का नाम बताइए, इस चेतावनी के प्रतीक का नाम बताइए, तो क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कि चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है, यहाँ देख सकते हैं 5 का सी आपका हो जाएगा अनगार्डेड ये आपका हो जाएगा। ठीक है, कि जहाँ पर आपको स्कूल सुरक्षित संरक्षित पैदल चलने वाले मार्ग ये नहीं दर्शाता, अनगार्डेड का मार्ग दर्शाता है। ठीक है, कि यहाँ पर इस जगह पर ये चीज़ नहीं रखना है या रखना है ये चीज़ दर्शाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर छठवें नंबर का छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी की आग कागज कपड़े के कारण लगी आग पर किस क्लास के अंतर्गत आती है, मतलब कह रहा है कि किस क्लास के अंतर्गत आती है, छठवां का ए हो जाएगा, क्लास ए के, जहां पे लकड़ी कागज कपड़े की बात किया जाए तो छठवां का ए मार दीजिएगा, छठे नंबर का ए मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, सातवें नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरो मीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है, मतलब इससे भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है, तो 7 का बी आपका सही हो जाएगा, हेलान एस्टिव ग्यूसर की बात करेंगे, कौन सा, हेलान एस्टिव ग्यूसर, जब ये ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो मीथेन BCF अगर बोलेगा तो वहाँ पर हेलान एस्टिव ग्यूसर का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेगा, यहाँ पर कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, कौन सा यांत्रिक है, तो 8 का डी हम मार देंगे, यहाँ पर अनगार्डेड मशीनरी की बात करेंगे। ठीक है, अनगार्डेड मशीनरी मतलब बिना मतलब जगह जैसे क्रमवाइज की बात किया जाए वहाँ ना करके किसी भी जगह लगा देना, अनगार्डेड मशीनरी की हो जाएगा, तो इससे व्यवसायिक खतरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को कैसे रोकें, घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को कैसे रोकें, ऑप्शन देखते हैं 9 नंबर का, 9 का डी आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए घाव पर दबाव देकर, भैया रक्त स्त्राव हो रहा है तो वहाँ पर क्या करेंगे, दबाव देंगे, बंद होगा रक्त तभी तो वो आदमी बचेगा। ठीक है, यहाँ 13 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 13 नंबर क्या कह रहा है हमारा, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है, कार्यस्थल पर दुर्घटना जहाँ पे कार्य करते हैं वहाँ पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम आपका पूछा जा रहा है, तो 13 का सी आपका हो जाएगा, सुरक्षा सावधानियाँ
का पालन करके, भैया पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चिन्ह का नाम बताइए, क्या कह रहा है भैया। 10 का D आपका हो जाएगा पैदल चलने वाले मार्ग, ये लगा लेंगे पैदल चलने वाले मार्ग। ठीक है, समझते जाइएगा, ये नहीं कि ऐसे पढ़ते जाइएगा। ठीक है, 13 नंबर का हो गया, 13 का क्या सही था, 13 का सी सही था, सुरक्षा सावधानियों का पालन। 14 चलेंगे दोस्तों, यह प्रतीक क्या दर्शाता है, 14 नंबर में ये प्रतीक क्या दर्शाता है, 14 का B हो जाएगा आपका रास्ता दें, ये क्या दर्शाता है रास्ता दें, 14 का B आपका सही है। 15, 11 नंबर फिर इधर देख लेते हैं, कह रहा है आग लगने के 3 कारक क्या क्या है, आग लगने के 3 कारक क्या क्या हैं। 11 नंबर देख लेते हैं, 11 का ये हो जाएगा ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन, ईंधन ताप ऑक्सीजन, ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन, ईंधन ताप ऑक्सीजन, ऊष्मा को ताप भी कह सकते हो। ठीक है, अगर ताप का आसान आए तो सही मार देना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ। 12 नंबर का गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। 12 का ये हो जाएगा आपका घटना के बाद के पहले 30 मिनट गोल्डन आवर्स की अवधि कहा जाता है। कोई घटना है, उस घटना के 30 मिनट पहले वाला जो समय है वो गोल्डन आवर्स की अवधि को कहा जाता है। 15 की बात करेंगे, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे विंस का कलर रोड कोड क्या होता है, बेकार कागज अलगाव के लिए, ये 5S वाला नियम कानून यहाँ दिखा रहा है भैया। तो 15 का B आपका हो जाएगा नीला होता है, कौन सा होता है, नीला होता है। सूर्य पूछ रहा है यह रोड साइन किस तरह का है, यह रोड साइन किस तरह का, इमेज देखते हैं 16 नंबर का, तो 16 का D हो जाएगा सूचना चिन्ह दर्शाता है, यह रोड साइन जो है सूचना चिन्ह दर्शाता है। भैया दिल्ली 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 लिखा है ना, तो ये जो चीज़ है पेट्रोल पंप लिखा है ना, तो ये क्या दर्शाता है, सूचना का चिन्ह है, सूचना हमको दर्शाता है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू एक एक सीक्वेंस में ही चलते हैं। सूचना का चिन्ह हो गया, 17 नंबर देख लेते हैं, ज्वलनशील और बहने वाले तरल पदार्थ तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, 17 का ये फोम एक्सटिंग्विशर का, बहने वाले तरल पदार्थ, अरे भैया तेल ओल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो फोम एक्सटिंग्विशर सीधे मार दीजिएगा। 18 नंबर की बात करते हैं, क्या कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में क्या दर्शाया जाता है, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में क्या दर्शाया जाता है। लो ऑप्शन देख करते हैं, 18 नंबर का, 18 का ये है दोस्तों एयरवे का प्रयोग किया जाता है, किसका, एयरवे का प्रयोग किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 19 का C आपका हो जाएगा कंपोस्टिंग, ठीक है कंपोस्टिंग। आगे बात कर लेते हैं, प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या है, प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या है, 20 क्या हो जाएगा येलो पीला, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक फ्लोटिंग के क्वेश्चन है। 21 नंबर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, फाइल के एक्स एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, भाई ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग बताना है। ठीक है, सिंपल मारना, फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक्स के रूप में, तो क्या कह रहा है, 21 नंबर क्या कह रहा है, 21 का ये सही हो जाएगा हिल आपका। ठीक है, ये हिल है, इसके अंदर वाला पूछेगा तो टैंक मारना है, ये पूछेगा फेरुल मारना है, ये पूछेगा हैंडल मारना है, ये पूछेगा फेस मारना, ये पूछेगा तो एज मारना, ये पूछेगा टिप टू पॉइंट मारना। ठीक है, ये सब ध्यान देना है इस पर। चलो अगला चलते हैं, देखते हैं,
25 नंबर देख लेते हैं यहीं से, इस वाइज का नाम बताना है 25 नंबर, 25 का सी आपका सही हो जाएगा हैंड वाइज, ठीक है। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के काम किया जाता है हैंड वाइज। यहाँ से ये क्या आंसर है, ये अगर पूछ देगा तो फ्लाई नट हो जाएगा, या ध्यान देना फ्लाई नट क्या बोलेंगे, फ्लाई नट। 22 नंबर देखते हैं, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग बताइए। भैया जो ट्राई स्क्वायर ऐसे करके ट्राई स्क्वायर चलाते थे ना आप लोग, तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग बताना है यहाँ पे। 22 नंबर, 22 का सही क्या होगा, 22 का ये हो जाएगा समकोण की जांच करने के लिए, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, समकोण की जांच करने के लिए पूछता भी है ट्राई स्क्वायर से कितना एंगल तक जांच कर सके 90 डिग्री, ये मार दीजिएगा। 26 नंबर की बात करेंगे, 26 क्या कह रहा है, कुछ स्ट्रोक के बाद एक ही नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसकी वजह कुछ स्ट्रोक के बाद जब कटिंग करते हो किसी जाप का तो हेक्सा ब्लेड क्यों ढीला हो जाता है, ये जो हेक्सा ब्लेड होता है क्यों ढीला हो जाता है, वही पूछ रहा है कुछ स्ट्रोक के बाद 1 2 3 4 ऐसे क्यों ढीला हो जाता है, यही कारण पूछ रहा है। तो लगाइए 26 का ये हो जाएगा आपका ब्लेड खींच जाना, जैसे उसमें क्या होती है माइल्ड हाई कार्बन स्टील ये सब होता है, तो स्टील की मात्रा किसी न किसी प्रकार का मिश्रण होता है वो, ठीक है। तो मटेरियल भी होते हैं लोहे होते हैं, तो कुछ हल्का से खींच जाते हैं जिस कारण से वो बढ़ जाता है ढीला हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 23-27 की। 23 क्या कह रहा है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, तो जहरीला की बात करेंगे 23 नंबर। तो 23 नंबर देखते हैं आंसर क्या हमारा निकल के आ रहा है, 23 का सी हो जाएगा, 23 का सी कॉपर सल्फेट जो होता है जहरीला होता है, जहर जैसे होता है भैया, इसको घोल के काके पी जाओगे तो मरोगे पक्का है, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ये विद्यालय में ITI में बताया जाता है, ठीक है। इसके बारे में पूरा वाइट पर्सियन सेल्यूलोज लैकर कॉपर, ठीक है, तो ये जहरीला कॉपर वाला होता है, ठीक है। चलिए यहाँ 27 नंबर की बात कर लेते हैं, पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं, दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। 27 का देखते हैं कौन सा सही, 27 का डी, हथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, हथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, कह रहा है कि पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। सही बात है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, सही बात है, पूरे दांतों पर काम नहीं करता इसीलिए टूट जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है यूनिवर्सल सर्फिक गेज में कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, स्क्राइबर समझ रहे हैं, स्क्राइबर को पकड़ता है, कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, कह रहा है कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ रहा है, स्क्राइबर को कौन सा हिस्सा पकड़ रहा है। तो चलिए 24 का देख लेते हैं आंसर क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन देख लेते हैं, 24 ये रहा उनका ऑप्शन, 24 का ए देखिए ऑप्शन दोनों गलत है, ये आपका स्नक सही है, ये वाला जो ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर ये स्नक सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर पे, 28 क्या कह रहा है कि कॉर्नर ज्वाइंट का मटेरियल्स के चखोरों करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, कॉर्नर की बात कर रहा है, किस छेनी का प्रयोग किया जाता है भैया, कॉर्नर की बात कर रहा है, कॉर्नर कोने वाला की बात कर रहा है। 28 के सी हो जाएगा आपका डायमंड पॉइंट चीजर, कॉर्नर कोने की बात करेगा तो डायमंड पॉइंट चीजर लगा दीजिएगा तुरंत। 31 नंबर की बात करेंगे, 31 कह रहा है कि धातु का वह गुण का नाम बताइए जिसमें बिना टूटे तार खींचा जा सकता है, बिना टूटे तार खींचा जा सकता है, 31 का ये हो जाएगा डैक्टिलिटी, ठीक है, डैक्टिलिटी बिना टूटे तार खींचा जा सकता है, सोना वाला में डैक्टिलिटी ज़्यादा पाई जाती है, तार बनता है बहुत ज़्यादा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फ्लैट चीजल काटने चासने के काम में आता है, क्रॉस चीजल वो क्या बोलते हैं कि मतलब मटेरियल को चौकोर बनाने के काम में नहीं अन्य किसी काम में लाया जाता है, हाफ राउंडर का अलग काम है, ये डायमंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और इसमें है मैलिएबिलिटी मतलब हाइमरी रोलिंग करके चादर बनाने वाला काम जो होता है, इलास्टिसिटी मतलब भार को रखेंगे फिर पुनः वापस आ जाती है, टेनासिटी अलग होगा इसका, ठीक है, रखेंगे और उसी यील्ड पॉइंट तक वो लटक के रह जाएगी, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिना टूटे डक्टिलिटी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब 29 नंबर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अस्थिरूप को चिन्हित हथौड़े का नाम बताना है, देख लो भैया चिन्हित हथौड़े का नाम बताना है, तो क्या करोगे, ऊपर वाले को पेन बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, फेस बोलोगे, एक्स है,
चलो 29 नंबर देख लेते हैं। 29 का सी आपका सही हो जाएगा, चिक गाल बोलोगे, ठीक है, गाल बोलोगे, ये नीचे वाला फेस बोलोगे, ये चिक गाल बोलोगे, ये पोल बोलोगे, आई होल बोलोगे, वेज बदलोगे, हैंडल बोलोगे, ये सब ध्यान देना, ठीक है। चलो 32 नंबर की बात कर लेते हैं। 32 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है थमले के एक डिवीजन के स्पिंडल मूवमेंट क्या होगा जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। तो भैया इसका आंसर निकालना है, थिम्बल ले मतलब थिम्बल के एक डिवीजन के स्पिंडल के मूवमेंट की क्या होगा जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। कह रहा है कि 0.5 मिलीमीटर पिच वाला जो उसमें दांटे कटे 0.5 वाला है, ठीक है। 32 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। तो एक थिम्बल डिवीजन तो उसमें 1/50 होता था, ये ध्यान देना है, थिम्बल डिवीजन 1/50 होता था, लेकिन 0.5 मतलब 1/2 ये होता था, ठीक है। तो 1/2 आपका हो गया और इंटू आपका 1/50 हो गया, तो हो जाएगा 1/100 आपका, तो ये भाग देंगे 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा आपका, तो पहला एग्जाम सही हो जाएगा, ये ध्यान देने याद वाली बात है। इस पर 33 की बात कर लेते हैं, ये 32 का ये था, ध्यान देना, 33 की बात कर लेते हैं। चलो कह रहा है इस वनियर कैलिपर का रीडिंग दिखाना है, 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। 33 का डी 35.4 मिलीमीटर कहोगे भैया ये कैसे आ गया, हाँ तो जब बताया जाता है वनियर कैलिपर का आपका रीडिंग बताए हैं बहुत अच्छी तरीके से, एक बार जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन वनियर कैलिपर से अगर यहाँ से हट के आता है, और ये जान लीजिए कि कन्फर्म क्वेश्चन आपका ये नहीं कि यही लड़ जाएगा, लड़ भी सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने हैमर के बारे में बताया, तो हैमर में अगर फेस पूछ रहा है तो वहाँ पे पोल पूछ सकता है, चिक पूछ सकता है, वेज पूछ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि सेम क्वेश्चन लड़ भी सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इस पर विचलित मत होइएगा। तो इसे वनियर कैलिपर का रीडिंग क्या है, तो भैया देख लो रीडिंग क्या है, तो इसका आंसर 35.4 होगा, और इसका पूरी डिटेल जानकारी मैंने आपको एक वीडियो बना दिया हूँ, उस पर जाइएगा क्या बोलते हैं कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, वनियर कैलिपर का फेडर थ्योरी में जाके देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ, नीचे का जो होता है वनियर हेड होता है, ऊपर का होता है वनियर मेन स्केल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैच खाती हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ मैच खाया हुआ है, 20 वाला जो मैच खाया हुआ है, ठीक है। तो 20 वाला जो मैच खाया हुआ उसको क्या करेंगे, लिस्ट काउंट से गुणा कर लेते हैं, और जो भी आता है आंसर लिख देते हैं, और इसका लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर होता है, कितना होता है, इतना मिलीमीटर होता है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। चलिए 30 नंबर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि काटने वाले छेनी का प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाता है। लो भैया ये गामा का किस कोण को दर्शाता है, पूछ रहा है कौन कोण को दर्शाता है, कौन सा नाम इसका दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या नाम दोगे आप, 30 नंबर में क्या नाम दोगे आप, 30 का ए आपका रेक एंगल हो जाएगा, कौन सा, रेक एंगल हो जाएगा, ठीक है। चीजल का भी एक इमेज बना के आपको बताया हूँ बहुत बढ़िया से, उसको जाके एक बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। जो इसमें समझना है बेसिक वाले में जाके देख लीजिए। इस वनियर वैभव प्रोटेक्टर का वैभव प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, भैया पूछ रहा है कि वनियर वैभव प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, यहाँ पूछ रहा है कि रीडिंग क्या है। तो 30 का ए आपका था ना, हाँ 30 का ए रेकिंग कोण हो गया आपका, 34 पूछ रहा है, ठीक है। तो 34 क्या हो जाएगा भैया, 34 का बी हो जाएगा आपका, 41 डिग्री 51 मिनट, इसका भी वीडियो बना दिए हैं, ये भी जाके देख सकते हैं, 41 डिग्री 51 मिनट, यहाँ देख सकते हैं 41 डिग्री और 51 मिनट। इसका देखते हैं तो बने हुआ प्रोटेक्टर का जैसे बार बार क्वेश्चन फंसेगा, तो इसको मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ 34 है क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है, फिर इसके बाद मैं देख रहा हूँ कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सारा कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है आपका, 1000 से ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मुझे सर्दी जुकाम हुआ है इसीलिए मैं थोड़ा अटपट बोल रहा हूँ इस पर, मतलब आपको क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको आपका 3 सितंबर से पेपर है, तो इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन को पूरे रिवीजन करना है, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।